दोस्तों नमस्कार। तो जो बच्चे बीएससी एजी कर लेते हैं उनके लिए क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटी हैं इसको जान लेना ज़रूरी है। तो तीन चार तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं। सबसे पहले है कि वो मास्टर डिग्री कर सकते हैं, तो इसमें एमबीए इन एग्रीकल्चर है, मास्टर्स इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, मास्टर्स इन एनवायरनमेंट एग्रोबायोलॉजी है, एमएससी इन एग्रीकल्चर है, मास्टर्स इन एग्रो इकोलॉजी है, मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड एग्री बिजनेस है, एमबीए इन एग्री बिजनेस, एमएससी इन प्लांट पैथोलॉजी, मास्टर्स इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मास्टर्स इन एग्रोनॉमी, एमएससी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एमएससी एग्री इन जेनेटिक्स और मास्टर्स इन प्लांट साइंस के ये सब्जेक्ट हैं जिसमें ये बच्चे आगे अपना अध्ययन कर सकते हैं और उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में ये लोग अपना मास्टर्स डिग्री लेके अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है वो है गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट में बहुत सारे जॉब्स होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट है, एक्सटेंशन ऑफिसर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, प्लांटेशन मैनेजर है, क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोडक्शन मैनेजर है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, एग्रीप्रोनरशिप है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, फील्ड ऑफिसर हैं, फार्म मैनेजर हैं, एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर हैं, ऑपरेशन मैनेजर हैं, फूड प्रोसेसिंग मैनेजर हैं और सीड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो इसमें तीन तरह के संस्थान हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की सार्वजनिक कंपनियां हैं पीएसयू। दूसरा जो है वो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों के विभाग हैं, राज्य सरकारों की कंपनियां हैं जिनमें काम मिलता है। पर इन सब जॉब्स के लिए एग्ज़ाम होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, स्टेट के लिए स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम होता है, फिर स्टेट फॉरेस्ट एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है, नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम होता है। इसी तरह जो तीसरी अपॉर्चुनिटी है वो है बैंकों में, जिसमें प्राइवेट बैंक हैं और राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जिसमें जॉब्स होते हैं, और इन सभी में बैंकों के एग्ज़ाम्स में हमें भाग लेना पड़ता है। आखिरी जो अपॉर्चुनिटी है वो है प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब मिलते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 44% से अधिक जो जॉब हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ही मिलते हैं। अब यहाँ विद्यार्थियों को दो चीज़ें समझना होंगी। पहली चीज़ कि एक तो जिस पद के लिए वो आवेदन कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उनको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए जो ग्रेजुएशन उनको कॉलेज से मिलता है। पर ये जो ग्रेजुएशन की डिग्री है इसमें केवल आपको टेक्निकल जानकारी ही दी जाती है, आधारभूत अध्ययन ही इसमें कराया जाता है और इसके आधार पर आप परीक्षा पास कर सकते हैं। पर जब आप इंटरव्यू देते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जब आप इंटरव्यू देते हैं या अपना सीवी बनाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि 16 तरह की सॉफ्ट स्किल्स हैं जो इंटरव्यू के समय देखी जाती हैं या आपकी सीवी में वो चीज़ें अगर होती हैं तो उस विद्यार्थी को, उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? इसमें है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, रिस्क टेकिंग, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, लिसनिंग, इंटरपर्सनल रिलेशंस, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस, कोऑर्डिनेटिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड चेंज,
विजनिंग विजनिंग एबिलिटी टू कंसेप्चुलाइज, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड मोटिवेशन, पर्सनल स्ट्रेंथ। तो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जिसकी जानकारी या जिसकी ट्रेनिंग आपको स्कूलों में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में सामान्यतः नहीं दी जाती है। तो इसके लिए, इस गैप को पूरा करने के लिए ई फसल द्वारा ई फसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है कर्मा सेतु, जहां इन सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सॉफ्ट स्किल्स आप में विकसित की जाती हैं ताकि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए और आपका जो पैकेज है वो अच्छा हो सके, आप जॉब पाने के लिए सफलता के दरवाजे तक पहुंच सकें। तो जो लोग इस ओर अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं वो ई फसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु पर संपर्क कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, पर्सनल आके मिल सकते हैं ताकि वो उनको उनके कोर्सेज में इनरोल करके उनको आगे इन स्किल्स को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।